एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो प्रीवियस पेपर है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं 2021 की शिफ्ट टू की मैथमेटिक्स uh, का पार्ट टू हम लोग करने जा रहे हैं इससे पहले हम लोग 15 2015 16 18 सोलह और 2021 की शिफ्ट वन की फिजिक्स मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स पार्ट वन हम लोग कर चुके हैं सो लेट्स स्टार्ट द सेशन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट गिवेन डैट एन पी फोर डिवाइड बाई एन माइनस वन पी फोर इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री ना इसमें क्या करेंगे हम लोग फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस फोर यही होता है एन पी आर की फॉर्मूला ना फैक्टोरियल एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री कैसे सॉल्व करेंगे सो फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस फोर इन टू फैक्टोरियल एन माइनस फाइव बाई फैक्टोरियल एन माइनस वन इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री पाओ इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं एन इन फैक्टोरियल एन माइनस वन और इसको एन माइनस फोर ही रहने देते हैं इसको लिखते हैं एन माइनस फोर नहीं इसको हम लोग करते हैं एन माइनस फोर फैक्टोरियल एन माइनस फाइव और ये फैक्टोरियल एन माइनस फाइव है और ये फैक्टोरियल एन माइनस वन है तो ये दोनों कट गया सो कैंसिल हुआ तो अब क्या बचा एन बाई एन माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री सो फाइव एन माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू थ्री एन सो टू एन इज इक्वल टू ट्वेंटी सो एन इज इक्वल टू टेन सो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन सो द आंसर इज टेन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट विल बी द टोटल नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेक एन आर एट ए टाइम वेर रिपिटेशन इज अलाउड नाउ अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट व्हाट विल बी द रिपीटेशन अलाउड है सो व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर पाँच लेटर्स एज्यूम की पाँच डिफरेंट थिंग्स हैं और उसमें से तीन हमें तीन चीज तीन टेकन एट आर एट अ टाइम तो रिपीटेशन अलाउड है तो क्या हो जाएगा आप अगर तीन ही लेने हैं उसमें से तो पहला में क्या होगा पांचों में से कोई भी ले सकते हो तो जो चीजें आप ले, ले लिया अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो हम लोग जो ले लिया इसमें से जैसे लेटर्स एज्यूम ए बी सी डी ई e, पांच कुछ चीजें अब इसमें से हमें तीन कुछ लेना है तो पांच में क्या ले सकते या पहले में क्या ले सकते हैं या तो ए लेंगे नहीं तो बी लेंगे आप समझिए इस चीज को ए और बी और सी और डी ऐसा लेंगे ठीक है और ई e, पांच अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड अगर रिपीटेशन Saying, rip, अगर नॉट अलाउड है तो क्या होगा तो अब यहां पर से अगर कोई भी एक ले लिया तो बाकी इसमें तो चार ही बचा हमारे पास में ऑप्शन चार ही कुछ ले सकते हैं अगर ए ले लिया तो बी सी डी में से कुछ ले सकते हैं तो पहले में पांच दूसरे में चार और तीसरे में तो रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो क्या हो जाएगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री ठीक है सो so ये हो जाएगा लेकिन अगर कि रिपीटेशन इज अलाउड है तो क्या होगा रिपीटेशन अलाउड मतलब इसमें पाँच होगा तो इसमें भी पाँच हो सकता है और इसमें पाँच मतलब कि ए भी हो सकता है ओके okay? तो क्या हो जाएगा फाइव अगर तीन चूज करना है तो फाइव टू द पावर फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव तो फाइव टू द पावर थ्री लिख सकते हैं तो पाँच में से अगर तीन चूज हमें तीन चीज़ हमें लेने हैं तो फाइव टू द पावर थ्री तो ये सेम की टोटल एन थिंग्स है उसमें से आर लेने हैं तो एन टू पावर आर हो जाएगा क्योंकि ही सेंग दैट रिपीटेशन अलाउड मतलब अगर यहाँ ए बी सी डी ई हो सकता है तो यहाँ भी ए बी सी डी हो सकता है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो जो यहाँ ले लिए वो यहाँ पे नहीं ले सकते हैं ठीक है तो ये फैक्टोरियल हो जाता है ये फाइव फोर थ्री अगर ये से टू वन तक जाते रहेंगे तो तो ये जितना भी लेना होगा जैसे थ्री आर एट ए टाइम टेकन आर एट ए टाइम तो एन टू पावर आर हो जाएगा अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ओके सो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं ओके okay. ये मैंने जो आपको ये जो क्वेश्चन कट किया है वो कट किया गया ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से किया गया तो किया है तो इसीलिए मैंने ऑप्शन चेंज नहीं किए हैं वही ऑप्शन है जो क्वेश्चन में था बट इसमें से कोई भी सही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फूट ऑफ परपेंडिकुलर डन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस वन लेट एस कि दिस इज द ये प्लेन है और यहां से हमें फूट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे ये बात हो रही है नाव ये ओरिजिन पे है और ये जो है फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस सिक्स इजिकल टू जीरो ना इस टू कैसे सॉल्व करेंगे तो हम अगर इसको एक इक्वेशन एक कोई लाइन डिटर्मिन द कॉर्डेंस ऑफ फोटो पर पर्टिकुलर डन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन नाउ अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो बाई फोर y माइनस जीरो बाई माइनस टू और z माइनस जीरो बाई थ्री तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि लेट ये हो जाएगा हम इस लाइन की क्वेश्चन लिख रहे हैं नाउ ये लेमडा मान लेते हैं सो कैन आई राइट x इज इक्वल टू फोर लेमडा वाई इज इक्वल टू माइनस टू लेमडा और z इज इक्वल टू थ्री लेमडा नाउ अगर हम इस इक्वेशन में अगर मान लेते हैं कि ये एक कॉर्डिनेट होगी सो ये कॉर्डिनेट यहाँ की होगी फोर लेमडा माइनस टू लेमडा और थ्री लेमडा नाउ अगर ये कॉर्डिनेट यहाँ की होगी तो इस इक्विश इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगी तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगी तो वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स की जगह पे फोर लेमडा माइनस टू इंटू माइनस टू लेमडा प्लस थ्री इंटू थ्री लेमडा इक्वल टू सिक्स नाउ इट्स सिक्सटीन लेमडा प्लस फोर लेमडा प्लस नाइन लेमडा टू सिक्स तो इट्स ट्वेंटी नाइन लेमडा टू सिक्स तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स बाई ट्वेंटी नाइन तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा फोर इंटू तो ये कॉर्डिनेट क्या हो जाएगा फोर इंटू सिक्स बाई ट्वेंटी नाइन तो कितने हो जाएगा ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी नाइन एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी नाइन दिख रहा है बाकी अगर टू इं माइनस टू इंटू ये करेंगे माइनस टू इंटू सिक्स बाई ट्वेंटी नाइन तो माइनस ट्वेल्व बाई ट्वेंटी नाइन हो जाएगा और ये एटीन बाई ट्वेंटी नाइन हो जाएगा होप आपको ये समझ में आई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्पेस देर आर लाइन्स विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरल फैक्ट सच पेयर ऑफ लाइन्स आर जो लाइन ठीक है ना ही इंटरसेक्ट करता है ना ही पैरल होगा तो उसको क्या बोलेंगे उस पेयर ऑफ लाइन्स को क्या बोलेंगे जैसे ना ही इंटरसेक्ट करता है ना ही पैरल है तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे नॉन प्लेनर एंड स्क्यू लाइन ये तो याद करने वाली चीज है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अब एन सी आर की वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर ओके सो एन सी नाइन इज इक्वल टू एन सी एट है तो कैन आई राइट एन सी नाइन इज इक्वल टू एन सी एट फैक्टोरियल नाइन बाई फैक्टोरियल एन इंटू सॉरी फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल नाइन इंटू एन माइनस नाइन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एट इंटू फैक्टोरियल एन माइनस एट सो एन एन तो हो गया कैंसिल नाउ कैन आई राइट वन बाई फैक्टोरियल नाइन को हम लिख सकते हैं नाइन इंटू फैक्टोरियल एट इंटू एन माइनस नाइन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस एट लिख सकते हैं इज इक्वल टू वन बाई फैक्टोरियल एट इंटू फैक्टोरियल एन माइनस एट सो ये कैंसिल हो गया फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा सो नाइन इंटू एन माइनस नाइन इज इक्वल टू वन नाउ नाइन एन माइनस एटी वन इज इक्वल टू वन सो नाइन एन इज इक्वल टू एटी टू सो एन इज इक्वल टू एटी टू बाई नाइन कुछ गलत हुआ तो एन की वैल्यू ऐसी आ नहीं सकती है दैट्स मीन्स कि हमने कहीं कुछ मिस्टेक किया होगा सो फैक्टोरियल फाइव इज इक्वल टू क्या लिखते थे फैक्टोरियल फाइव इंटू फोर सो हमने क्या मिस्टेक किया है ओके सो वन वाई नाइन इंटू फैक्टोरियल एट इंटू फैक्टोरियल एन माइनस नाइन एन माइनस एट बड़ा है एन माइनस नाइन से वन वाई फैक्टोरियल एट इंटू एन माइनस एट इंटू फैक्टोरियल एन माइनस नाइन होगा सो so, ये कैंसिल हो गया एट से एट कैंसिल हो गया सो so, क्या लिखेंगे एन माइनस एट इज टू नाइन सो एन इज इक्वल टू सेवनटीन क्या पूछ रहा है कि एन सी सेवनटीन तो सेवनटीन सी सेवनटीन सेवनटीन सी सेवनटीन ये आंसर हो जाएगा वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स गिवन बाई दिस इस दोनों के बीच में एंगल तो ये मैम हमने एंगल जो है सो उसकी सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे क्या पढ़ाई की थी हमने इसमें कि एंगल बिटवीन टू लाइन अगर दो लाइन है आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन और आर एक है ए टू प्लस लेमडा बी टू अगर ये दो लाइन है तो इस दोनों के बीच का एंगल हमने पढ़ा था कॉस्ट इज इक्वल टू बी वन डॉट बी टू बाई बी वन का मैग्नीट्यूड और बी टू का मैग्नीट्यूड तो आप इसको कर लेते हैं सॉल्व कैसे करेंगे बी तो ये बी ये है सो so, अगर बी वन बी टू करेंगे तो इसको कर लेते हैं टू सिक्स जा ट्वेल्व प्लस टू टू जा फोर और वन थ्री जा थ्री बाई ये क्या हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इन टू सिक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर और ट्वेल्व और फोर सिक्सटीन और थ्री नाइनटीन डिवाइड बाई दो दो चार चार आठ और एक नौ तो इसका हो गया थ्री ओके okay? और सिक्स एग्जैक्ट थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर्टी और नाइन फोर्टी नाइन तो इसका हो गया सेवन सो कॉस थीटा इज इक्वल टू उन्नीस बाई इक्कीस सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स नाइनटीन बाई ट्वेंटी वन फॉर्मूला आप याद रखिए हम मैंने एक जगह ये सारी फार्मूला किसी शिफ्ट में लिखा भी था नाइनटीन बाई ट्वेंटी वन सो दीदा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेन एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई फोर नाउ टेन एक्स की वैल्यू अगर थ्री बाई फोर है पहली चीज तो यह है कि अगर हम लोग इसको निकालते हैं ये जीरो है ये पाई बाई टू है ये पाई है ये थ्री पाई बाई टू है नाउ ये बोल रहा है कि पाई से थ्री बाई थ्री पाई बाई टू ऑफकोर्स ये टेन एंड कॉट का घर है ठीक है हमने बता दिया था एड सुगर टू कॉफी इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं सुगर टू एंड कॉफी यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं सो टेन एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई फोर दिया है नाउ टेन एक्स इजिक्वल टू अगर थ्री बाई फोर दिया है सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाई बेस नाउ वाट इज द हाइपोटेनस रूट अंडर थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर ओके सो नाइन प्लस सिक्सटीन सो ये हाइपोटेनस की वैल्यू फाइव आ गई ही कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू तो इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है जो हमने किया है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा अगेन हम लोग को वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि टेन टू एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा था टू टेन एक्स बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स तो अगर हम इसी को टेन एक्स लिख देंगे तो टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टू टेन एक्स वाई टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू ना टेन एक्स इक्वल टू हमें दिया है थ्री बाई फोर अगर हम टेन एक्स वाई टू को t मान लेते हैं लेट तो क्या हो जाएगा थ्री बाई फोर टू टी बाई वन माइनस टी स्क्वायर नाउ थ्री माइनस थ्री टी ए स्क्वायर इजिकल टू एट ओके सो थ्री टी स्क्वायर प्लस एट टी माइनस थ्री इज इक्ल टू जीरो नाउ थ्री टू एस टी स्क्वायर प्लस नाइन टी माइनस टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो सो थ्री टी कॉमन लेंगे तो टी प्लस थ्री और माइनस वन कॉमन लेंगे तो टी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो नाउ टी प्लस थ्री और थ्री टी माइनस वन इज टू जीरो नाउ वट इज द वैल्यू ऑफ टी टी की वैल्यू एक हो गई माइनस थ्री और एक टी की वैल्यू हो गई वन बाई थ्री माइनस थ्री इसलिए नहीं होगा क्योंकि टैम जो है उसमें पॉजिटिव है ओके okay? नाउ एक और चीज़ है इसमें एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होगा आ, ये दोनों में से कौन होगा तो इसमें हम टी की वैल्यू अगर माइनस थ्री और टी का वैल्यू ये आया है दैट्स मीन्स क्या दे रहा है कि टेन एक्स वाई टू इज इक्वल टू माइनस थ्री और टेन एक्स वाई टू इज इक्वल टू वन वाई थ्री नाउ इसमें कौन सी वैल्यू रखें ना टेन एक्स की जो रेंज है वो हमने कही थी क्या कि पाई से थ्री फाई बाई टू है पाई टू थ्री पाई बाई टू है नाओ अगर हम लोग बात करें कि एक्स वाई टू कर दिया है ना एक्स वाई टू कर दिया तो पाई वाई टू से एक्स वाई टू कितने हो जाएंगे थ्री पाई वाई फोर तो थ्री पाई बाई फोर कितना हो जाएगा वन थर्टी फाइव सो ये वन थर्टी फाइव ये हो जाएगा सो so, इस ये किसका घर है साइन की घर है याद रखना है ये जो घर है वो साइन की घर है साइन और कोसेक की ओके तो इसमें टेन निगेटिव होगा तो हम लोग तो टेन की निगेटिव वाली वैल्यू लेंगे सो so, ये हम लेंगे टेन एक्स वाई टू इज इक्वल टू माइनस थ्री नाउ तो हम लोग ये ले लिए टेन एक्स वाई टू आपको समझ में आ गया क्यों लिए हैं क्योंकि जब एक्स वाई टू किया है तो इसकी जो पाई से थ्री फाई वाई टू के बदले में हो गया पाई वाई टू से थ्री पाई बाई फोर नाव पाई वाई टू से थ्री फाई वाई, वाई फोर के बीच में ये घर है साइन को का तो इसमें साइन को सिर्फ पॉजिटिव होगा बाकी सब निगेटिव होगा ओके ठीक है तो अब हम लोग तो निगेटिव होगा टेन की वैल्यू तो इसलिए हम निगेटिव वाले लेंगे पॉजिटिव वाला नहीं लेंगे नाउ टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू अगर माइनस थ्री है सो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर एक्स वाई टू ना वन प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्वायर एक्स वाई टू नाउ टेन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स वाई टू सो सेक एक्स टू इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट तेन अगेन नाउ सेक की वैल्यू क्या होगी सेक की वैल्यू इस कॉर्डिनेट में इस वैल्यू में साइन को सिर्फ पॉजिटिव है तो सेक की वैल्यू नेगेटिव होगी सो हम लोग क्या कर सके करेंगे सेक्स एक्स सेक सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स वाई टू इजिकल टू माइनस रूट टेन नाउ इसको हम अगर कॉस एक्स वाई टू लिखें तो क्या लिख सकते हैं माइनस वन बाई रूट टेन क्योंकि सेक एक्स वाई इज इक्वल टू वन बाई कॉस सो कॉस एक्स वाई टू इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री टेन एक्स बाई टू क्या क्या निकालना था टेन एक्स बाई टू तो माइनस थ्री तो माइनस थ्री सब में है वन मोर थिंग अगर आप इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं तो आप समझिए देखिए दो चीज़ें हो सकती है या तो अगर आपने मैं अभी जो बोल रहा हूं करेंगे तो या क्वेश्चन गलत होगा तो सबको मार्क्स मिलेंगे अदरवाइज अगर जब टेन की वैल्यू सब में टेन एक्स बाई टू की सेम दे दी है तो हम यहां पे क्यों इतनी मेहनत करके टेन की वैल्यू माइनस थ्री टेन एक्स बाई टू माइनस थ्री निकाले सीधे टेन एक्स बाई टू की वैल्यू अगर माइनस थ्री दे दिया है तो हम वहां से सीधे कॉस की वैल्यू कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू माइनस वन बाई टेन रूट टेन निकाल देंगे और जैसे माइनस वन बाई रूट टेन हो गया तो ये आंसर हो जाएगा तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा कि बेकार की मेहनत नहीं होनी चाहिए ओके okay? सो so आप समझ गए फिर कॉस की वैल्यू निकल गई तो साइन की निकल सकती साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ठीटा इज इक्वल टू वन अगेन साइन की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव होगी क्योंकि ये साइन का ही घर है ठीक है ये फॉर्मूला होता है ना ये ट्रिक होता है एड शुगर टू कॉफी दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड में साइन को सेक थर्ड में टेन कॉट और फोर्थ में कॉस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टेन पाई वाई एट नाउ पाई बाई एट की मतलब क्या हो गया हम लोग जानते हैं अगेन देखिए कितनी बार सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे टेन पाई वाई फोर इज इक्वल टू वन नाउ टेन एक्स इज इक्वल टू टू टेन देखिए ये चीज़ हम कितनी बार लिखे हैं वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स टू नाउ टेन पाई टेन पाई वाई फोर इज इक्वल टू टू टेन बाई एट बाई वन माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई एट ओके सो पाई बाई एट किसमें होगा इसमें होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव ही होंगे नाउ इसमें हम क्या करते हैं टेन पाई बाई टू को वैल्यू पाई बाई एट को हम टी मान लेते हैं इससे so, क्या हो जाएगा वन इज इक्वल टू टू टी बाई वन माइनस टी स्क्वायर सो वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी इज इक्वल टू जीरो सो टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो नाव वट इज़ द वैल्यू ऑफ सो so, कोई फॉर्म इसमें नहीं फॉर्म में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन बाई टू इंटू वन ये क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस माइनस टू टू जब फोर और फोर एट सो क्या लिख सकते हैं टू रूट टू बाई टू सो ये माइनस वन प्लस माइनस रूट टू अब इसमें क्या है कि अब इसमें कौन सी वैल्यू होगी पॉजिटिव वाली क्या होगी रूट टू माइनस वन इज अ पॉजिटिव वैल्यू होगी एक हो जाएगी माइनस वन माइनस रूट टू ये निगेटिव होगी तो so, टेन ये पाईवाई एट वाले जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव कभी होगा ही नहीं एक होती है माइनस वन प्लस रूट टू तो दो ये हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव आएगी रूट टू की वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर होता है तो ये टेन पाईवाई एट की रूट टू माइनस वन हो जाएगा सो दिस इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे स्पीक द सेम फैक्ट इफ ए स्पीक ट्रूथ इन सिक्सटी परसेंट केस इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए ट्रूथ बोलता है ए स्पीक ट्रूथ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स सिक्सटी फाइव हंड्रेड नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीक्स ट्रूथ वो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव नाउ बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टेट द स्पीक द सेम फैक्ट इफ ए स्पीक तो सेम फैक्ट होगा तो क्या होगा या तो दोनों सही बोल रहा है या तो दोनों गलत बोलेगा नाओ uh, सही बोलने का जीरो पॉइंट सिक्स है और uh, बी अगर सही बोलता है बी स्पीक झूठ तो जीरो पॉइंट सेवन फाइव है अगर हम लोग बात करें कि ए अगर झूठ बोल रहा है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग लाई तो ये वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स हो जाएगा सो जीरो पॉइंट फोर हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीकिंग लाई क्या हो जाएगा इट्स वन माइनस जीरो पॉइंट सेवन फाइव विच इज जीरो पॉइंट टू फाइव ये हो गया अब बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे स्पीक द सेम फैक्ट इफ ठीक है दे स्पीक द सेम फैक्ट मतलब या तो दोनों सही बोलेंगे या तो दोनों झूठ बोलेंगे नाउ क्या होगा या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब पी भी सही बोलेगा दोनों सेम फैक्ट बोल रहे हैं और बी भी, भी बोलेगा या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों झूठ बोलेगा बेसिकली दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैस मतलब ए सच नहीं बोल रहा है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैस तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे जीरो पॉइंट सिक्स इंटू जीरो पॉइंट सेवन फाइव प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव बी किया है जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू जीरो पॉइंट फोर तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो पॉइंट सिक्स इंटू जीरो पॉइंट सेवन फाइव इट्स जीरो पॉइंट फोर फाइव और जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू जीरो पॉइंट फोर अगर करते हैं तो क्या होता है इट्स जीरो पॉइंट वन जीरो सो जीरो पॉइंट फाइव फाइव विच इज फिफ्टी फाइव परसेंट दोनों सेम बोलेगा फिफ्टी फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉलर टेन पिन बॉलिंग हिटिंग अ टारगेट इज थ्री बाय फोर अच्छा क्वेश्चन है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट इज इक्वल टू थ्री बाई फोर हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट द बॉलर रोल डाउन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज मोर देन जीरो पॉइंट नाइन नाइन कम से कम एक बार आएगा तो हम ऐसा करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप आपने पढ़ा होगा जो अभी हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ होने की इज इक्वल टू एन सी एक्स पी एक्स क्यू टू पावर एन माइनस एक्स ठीक है ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी और वेयर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन अब इस फॉर्मूला का हम कैसे यूज करेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट इज थ्री बाई फोर और बोला है कम से कम एक बार हिट करेगा कितना मिनिमम नंबर ऑफ टाइम रोल करेगा कि एक बार कम से कम हिट करेगा तो हम ऐसा करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बार भी हिट नहीं होता है ये निकाल दें और वन माइनस वो अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब एक बार एटलीस्ट हो जाएगा कम से कम एक बार तो हम पहले कर देते एक बार भी नहीं होगा ठीक है और वन माइनस पी इजल टू एक्स इजक्ल टू जीरो कर देते हैं मतलब एक ये टू प्रबिलिटी ऑफ कि एक बार भी हिट नहीं कर रहा है और वन माइनस एक बार भी हिट नहीं कर रहा है वो हटा देंगे तो बाकी एक बार भी कम से कम कर रहा है वो हो जाएगा नाव ये पता है वो उसकी चांसेज क्या है एटलीस्ट वंस इज मोर देन जीरो पॉइंट नाइन नाइन नाउ वन माइनस इट्स एन सी जीरो पी टू दावर जीरो क्यू टू दावर एन एन ग्रेटर देन जीरो पॉइंट नाइन नाइन अब आपको ये समझ में आ रही हो कि वॉट इज द पी पी क्या है कि हिटिंग अ टारगेट और क्यू जो है हिटिंग नहीं होगी सो वन माइनस एन सी जीरो थ्री टू द पावर फोर का पावर जीरो और वन टू दावर फोर क्योंकि हीटिंग का अगर पी थ्री बाई फोर है तो क्यू की वैल्यू क्या, क्या हो जाएगी वन माइनस थ्री बाई फोर विच इज वन बाई फोर दैट्स ग्रेटर देन जीरो पॉइंट नाइन नाइन नाउ अगर हम लोग इसको करें कैन आई राइट ये एन सी जीरो क्या हो जाएगी फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन बाई एन माइनस n 0, 10, तो ये वन हो गया और किसी चीज़ का पावर जीरो वन हो जाता है सो वन माइनस वन टू द पावर फोर का पावर एन ग्रेटर देन जीरो पॉइंट नाइन नाइन सो कैन आई राइट वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन नाइन ग्रेटर दैन वन टू दन बाई फोर टू द पावर एन सो वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन नाइन विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन ग्रेटर दैन वन टू द पावर फोर एन सो कैन आई राइट फोर एन ग्रेटर दैन वन बाई ज़ीरो पॉइंट जीरो वन विच इज़ इक्वल टू हंड्रेड हंड्रेड से ज़्यादा ना अगर फोर का पावर एन की जगह पर अगर हम तीन थर्ट थ्री रखते हैं तो फोर की पावर फोर फोर टू द पावर एन क्या हो जाएगा सिक्सटी फोर तो वो होगा नहीं हंड्रेड से ज्यादा चाहिए सो so मिनिमम क्या रख सकते हैं अगर फोर रखेंगे तो क्या हो जाएगा इट टू फिफ्टी सिक्स सिक्सटी फोर इंटू फोर ओके तो एन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फोर ठीक है सो द आंसर इज फोर टाइम्स होप आपको ये समझ में आई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट इफ ई एन आफ इफ एफ आर इंडिपेंडेंट कौन सा इनकरेक्ट है नाउ मैंने पिछले कभी सेशन में कहा था कि अगर इंडिपेंडेंट फंक्शन है तो उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो हो जाएगा पी ई डॉट इंटू पी एफ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अब हम क्वेश्चन बनाते हैं पी एफ बाई नाउ व्हाट इज पी एफ बाई पी एफ बाई ये होता है कि एफ इवेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई ऑलरेडी हैपन तो क्या लिखेंगे P ऑफ इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E ऑलरेडी हैपन नाउ इसकी क्या है क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो कैन ए राइट P डॉट पी एफ बाई पी ई सो ये कैंसिल हो गया सो हो गया पी एफ तो ये सही है ओके ऑफकोर्स पी ऑफ पी एफ जीरो नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर नेवर भी जीरो नाउ इंडिपेंडेंट है तो ये भी सही होगा नॉब इस दोनों में है सो एफ बाई अ पी बाई पी एफ पी वाई एफ पी पी एफ बाईजल टू पी एफ वेर पी नॉट जीरो और एक है पी ई बाई एफ तो क्या हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ और इसका क्या होगा इंडिपेंडेंट है तो ई इन एफ बाई पी एफ सो कैंसिल हो गया सो so, ये पी ई नाउ ये पी ई e है तो पी एफ हमारा जीरो नहीं होना चाहिए और ई बाई एफ है तो पी एफ हमारा जीरो नहीं होना चाहिए और एफ बाई e है एफ बाई ई पी एफ तो ये पी ई जीरो नहीं होना चाहिए और ये भी सही है और विच ऑर द इनकरेक्ट सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट आई थिंक क्योंकि पी एफ ई वाई पी पी एफ बराबर नहीं जीरो है जबकि हमारा अच्छा पी ई पी एफ दोनों है लेट मी चेक वंस ओके सो आंसर यही होगा क्योंकि हमारा इसमें क्या होगा पी एफ वाई ई में पी एफ वाई ई में क्या होगा कि पी जीरो नहीं होना चाहिए पी एफ जीरो हो सकता है बट इसमें क्या बोला है कि दोनों जीरो नहीं हो सकता है ओके okay? तो इसीलिए ये इनकरेक्ट हो गया ओके पी ए ई जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए ओके सो पी एफ़ जीरो हो सकता है ओके okay? बाकी ये तीनों सही है नेक्स्ट क्वेश्चन अ केज इन अ माइन साफ्ट डिस विथ टू फीट पर सेकेंड यूनिट्स ऑफ एक्सलेशन आफ्टर इट हैज बीन इन मोशन फॉर टेन सेकेंड अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द टॉप ऑफ द साफ्ट व्हाट टाइम इलेप्सेज बिफोर द पार्टिकल हिट्स द केज ये अच्छा क्वेश्चन है ओके अब इसको कैसे बना सकते हैं इट इज गिवन दैट अ केज इन माई सेफ डिसेंड विथ टू फीट पर सेकेंड ओके नाउ इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट टी जो है टी विद अ टाइम डैट इलेप्सेज आफ्टर दार्टिकल स्टार्ट क्या बोल रहा है हमें कि पार्टिकल ड्रॉप फॉर टेन सेकेंड अ पार्टिकल इज ड्रॉप इट फ्रॉम द टॉप ऑफ द साट व्हाट टाइम इलेप्सेज बिफोर द पार्टिकल हिट्स द ठीक है मतलब पार्टिकल के बिफोर द पार्टिकल हिट्स द के केज को पार्टिकल हिट करे उससे पहले का टाइम का पूछ रहा है तो हम उसको टी मान लिए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नाउ कैन आई राइट ये यू जीरो हो जाएगा इनिशियल सो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी ये टी को, हम तो को हमने ये ए टी स्क्वायर होगा तो टी को हमने टी मान लिया है तो ए टी स्क्वायर आप इसको स्मॉल टी भी मान सकते हैं लेट टी बी द ओके सो ए टी स्क्वायर नाउ एक एक्सलेशन की वैल्यू है टू फीट पर सेकेंड स्क्वायर सो कैन आई राइट हाफ इन टू टू फीट पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट ऑफ एक्सलेशन ओके ओके सो ये जो है ये जो एक्सलेशन होगा यहाँ पे कि वो डिसेंड uh, कर रहा है ओके सो फॉल कर रहा है तो फॉल होगा तो इसका तो जी को हम क्या मानेंगे नाइन पॉइंट एट ठीक है तो जी का नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नाउ अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है लेकिन हमारा जो है ये फीट में दिया हुआ है तो या तो फीट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में तो फीट को जीरो पॉइंट सिक्स वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको कर ले या इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड थर्टी टू फिट पर सेकेंड स्क्वायर होगा ओके okay? तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी इट्स हाफ इंटू थर्टी टू टी स्क्वायर सो ये हो जाएगा सिक्सटीन टी स्क्वायर आप अगर कन्वर्ट करोगे तो ये होता है ठीक है आप ऐसे भी बना सकते हो कि फीट को आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जीरो पॉइंट सिक्स वन कन्वर्ट करोगे तो ये जीरो पॉइंट सिक्स वन करोगे तो फिर यहां पे आपको जी की वैल्यू एक्सलेशन जो ग्रेविटी लिए हैं ठीक है थीके? ना एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये नाइनटी पॉइंट एट आप लेंगे तो आप जीरो पॉइंट सिक्स वन ले सकते हो मैंने फिट में ले लिया है नाउ सिक्सटी सिक्सटीन टी स्क्वायर नाउ द केज हैज बीन इन मोशन कितने देर तक रहा है टी प्लस टेन सेकेंड और उसके बाद वो फॉल करता है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी हाफ इंटू टू फीट पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है एक्सलेशन इंटू टी प्लस टेन का स्क्वायर ना ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा इक्वल होगा सो कैन आई राइट हाफ इंटू टू इंटू टी प्लस टेन का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन टी स्क्वायर सो टी स्क्वायर प्लस हंड्रेड चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी प्लस टेन का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टी का स्क्वायर सो so, इसको लिख सकते हैं टी प्लस टेन इज इक्वल टू फोर टी सो टेन इज इक्वल टू थ्री टी सो टी इज इक्वल टू थ्री वन बाई थ्री सेकेंड बिफोर द पार्टिकल हिट्स द केज इतना सेकेंड बिफोर द पार्टिकल हिट्स द केज सो द आंसर हमसे जो पूछ रहा है कि व्हाट टाइम इलेप्सिस बिफोर द पार्टिकल हिट द केज तो आंसर हो जाएगा थ्री इज टू वन बाई थ्री यहाँ कन्वर्सन जो है सो आपको आना जरूरी था क्वेश्चन आसान था नेक्स्ट क्वेश्चन Evaluate द वैल्यू ऑफ कैसे कर सकते हो अब इसमें फैक्टोरियल एट है तो हम सबको फैक्टोरियल एट में सो कैन आई राइट नाइन इंटू फैक्टोरियल एट इज इक्वल टू एक्स बाई टेन इंटू नाइन इंटू एट फैक्टोरियल नाउ एट फैक्टोरियल सब में से कैंसिल हो गया सो वन प्लस वन बाई नाइन इज इक्वल टू एक्स बाई नाइन्टी सो कैन आई राइट टेन बाई नाइन इज इक्वल टू एक्स बाई नाइन्टी सो नाइन से टेन टाइम में सो एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड इजी वन इजी जी वन हंड्रेड इधर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ नन ऑफ द वैल्यू एक्स वाई एंड एक्स प्लस माइनस वाई इज ए मल्टीपल ऑफ पाई अब ये क्यों लिखता है ओके अच्छा इसका जो आंसर होगा वो कॉट वाला होगा और अगर यहाँ पाई वाई टू रहता तो टेन होता ये कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ तो अभी जो हमसे पूछा है वो मल्टीपल ऑफ पाई पूछा है नाउ क्यों ऐसा किया है वी न्यू डैट कि साइन पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो टू पाई थ्री बाई फोर पाई कुछ भी करे साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है सो विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू इफ नन ऑफ द एंगल्स इज मल्टीपल ऑफ पाई तो अगर पाई के मल्टीपल हो जाएगा तो ही सेम कि एक्स प्लस वाई हो या एक्स हो या वाई है ये सब जितने भी तीनों एंगल है वो पाई के मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं अगर पाई के मल्टीपल होगी तो साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी जीरो ओके okay? और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वाई तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे नव अगर हम लोग इसकी कॉट आंसर होगी तो कॉट एक्स प्लस वाई हम लोग इसको करके देखते हैं नव कॉस एक्स प्लस वाई बाई कॉस एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई ना इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई बाई साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स क्योंकि साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का हम जानते हैं नाउ इसमें अगर हम साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करते हैं दोनों ड्योमोनेटर और डिनोमेटर दोनों को तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बाई साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस ये वन हो जाएगा बाई ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई है इसको साइन एक्स इंटू साइन वाई से करें मल्टीप्लाई तो साइनेक्स साइन एस कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई और ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स सो और कॉस वाई साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन बाई कॉट वाई प्लस कॉट एक्स सो ये होगा एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज सेंग दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ नन ऑफ द एंगल एक्स वाई और एक्स प्लस या एक्स माइनस वाई जब मल्टीपल ऑफ पाई अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा ये होगा टेन की अगर बात करते हैं तो टेन में क्या होता है मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू का नहीं होना चाहिए ओके okay? टेन में क्या होगा मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए ठीक है okay? ओके होप आपको ये समझ में आया होगा ठीक है इसका मतलब अगर मल्टीपल ऑफ पाई वाई नहीं होगा अगर ये मल्टीपल ऑफ पाई वाई नहीं होगा तो क्या होगा साइन एक्स या साइन वाई या साइन एक्स प्लस वाई आप समझने की कोशिश कीजिए वो नॉन जीरो होगा हमें ऐसा ही चाहिए नॉन ज़ीरो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये नॉन जीरो होगा क्योंकि अगर ये पाई हो जाएगा अगर मल्टीपल ऑफ पाई हो ही सकता है तो मल्टीपल ऑफ पाई अगर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी ओके तो ये नॉन ज़ीरो है ठीक है सो द हमारा क्या होगा ये अब इसमें आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं कि अगर इसमें पाई वाई टू रहता दैट नन ऑफ आ एंगल इज ए मल्टीपल ऑफ ये ठीक है तो इसमें जैसे आप सोचो कि एक्स प्लस वाई वाई रहता तो हम तो क्या करते y बराबर नहीं है जीरो ठीक है तो उसी तरह कॉट एक्स वाई इतना करने की जरूरत भी नहीं है कॉस एक्स वाई वाई साइन एक्स वाई और तो साइन एक्स वाई हमें बता दिया है कि ये जीरो नहीं है तो ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई किससे कर रहा है इसी को कर रहा है कॉट एक्स प्लस वाई का लेकिन कॉट एक्स वाई में चूंकि दो फॉर्मूला है इसलिए मैंने ब्रेक किया है अगर आप कॉट एक्स प्लस वाई का फार्मूला जानते हो तब तो, तो फिर सही है ओके okay? जैसे टेन एक्स प्लस वाई का होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई वन माइनस टेन एक्स प्लस वाई नाउ ये साइन एक्स प्लस वाई बाई कॉस एक्स प्लस वाई नाउ कॉस एक्स प्लस वाई अगर ये मल्टीपल ऑफ पाई होगा भी तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो इसमें क्या लिखेंगे पाई वाई टू का नहीं होना चाहिए सो so, क्या लिखेंगे इफ़ नन ऑफ द एंगल अगर पूछा होता इफ़ नन ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड एक्स प्लस माइनस वाई इज़ मल्टीपल ऑफ पाई वाई टू क्योंकि कॉस पाई वाई टू की वैल्यू जीरो होती है तो हम हमेशा लिखते हैं ना कि एक्स वाई वाई बट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो उसी तरह ये क्वेश्चन पूछा हुआ था थोड़ा ब्रेन लगाने का था नेक्स्ट क्वेश्चन अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ टू आउट ऑफ थ्री टाइम ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ इज टू बाई थ्री तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइन झूठ बोलने का कितना है वन माइनस टू बाई थ्री विच इज वन बाई थ्री थ्रोज अ डाई अब वो डाई फेंकता है एक एंड रिपोर्ट डेट इट इज अ सिक्स ठीक है मैन क्या बोलता है कि छ आया है भैया तो अब छाया है तो वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग सिक्स इट्स वन बाई सिक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग सिक्स क्या हो जाएगा इट्स वन माइनस वन बाई सिक्स वि फाइव बाई सिक्स और प्रॉब्लम यह है कि बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलीट इट इज एक्चुअली सिक्स वो बोल रहा है बट क्या प्रोबेबिलिटी उसे सही बोला है नाउ अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे कि इसका मतलब है कि हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो सही में सिक्स है इसका मतलब क्या हो गया पहले बात तो वो सही बोला ठीक है वन बाई सिक्स आया और वो सही बोला और नीचे क्या हो सकता है कि या तो ये होगा कि वन बाई मतलब कि वो सही बोला कि वन बाई सिक्स आया या ऐसा हो सकता है कि वन बाई थ्री मतलब वो झूठ बोला ठीक है छः नहीं आया इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ना अगर ये पूछता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज़ नॉट एक्चुअली सिक्स तो टू बाई थ्री वन बाई थ्री फाइव बाई सिक्स को ऊपर कर देते क्योंकि पॉसिबिलिटी तो यही होगा कि उसने सही बोला कि ये आया और उसने गलत बोला ये नहीं आया ओके okay? सो so क्या हो जाएगा सो वन बाई नाइन डिवाइड बाई टू थ्री जान इट्स वन बाई नाइन प्लस फाइव बाई

करेंगे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के सिर्फ टू के फिर हम लोग सिर्फ थ्री के करेंगे ठीक है मैथमेटिक्स इसकी पी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग